जनाब टीवी में सबको हमारा मोहब्बत भरा सलाम और आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा आज की ताजा तरीन खबरों का शुमारा लेकर हाजिर। पेश है आज की अहम खबरें। ड्यूटी के दौरान आज महकमा सोशल फारसी का मुलाजिम पहाड़ी से फिसल कर हुआ लुकमाए अजल। COVID-19 की वबाई बीमारी से सेहतयाब होने के बाद 9 अफराद को घरों के लिए किया रवाना CMO रामबन। किश्तवाड़ की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर सफरी अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और फ्रंटलाइन वर्करों व मुलाजमीन के दरमियान किश्तवाड़ में मुफ्त कुव्वत मराफत बढ़ाने वाली अद्वियात की तकसीम कारी। अब पेश है खबरों की तफसील। आज ड्यूटी के दौरान महकमा सोशल फॉरेस्ट्री महकमा में तैनात एक फॉरेस्ट गार्ड एक पहाड़ी से फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरा और उसकी फौरी तौर गुंडों के हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी मौत वाका हुई। उसकी शिनाख्त बशारत हुसैन वालिद मोहम्मद शरीफ डार साकना शाहलाला गुंडो के तौर हुई है। बताया जाता है कि उसकी उम्र 55 साल थी। कई सियासी व समाजी अफराद ने उनकी मौत पर सदमे का इजहार किया है। कोविड इन्फेक्शन से सेहतयाबी के बाद खांडे अस्पताल बानहाल से 9 अफराद को घरों के लिए रवाना किया गया। इससे कबल 18 लोगों को सेहतयाब होने के बाद अपने अपने घरों भेज दिया गया है, जिनमें 9 खांडे अस्पताल और 8 कोविड केयर सेंटर और 1 कोविड हॉस्पिटल जम्मू शामिल है। BMO बानहाल व डॉक्टर तनवीर और CMO रामबन मोहम्मद फरीद भट्ट ने इस मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की और जिस वक्त उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था कि हमें अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है। जिस तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करो, हाइजीन मेंटेन करो और उसके बाद जो भी यहाँ पे गैदरिंग में नहीं जाओ और हर एक जगह चाहे वो रिलीजियस प्लेस है चाहे किसी भी जगह पे तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करो। तो उसके बाद अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाई जाए और टेस्ट करके देखो इन लोगों को पॉजिटिव था, ट्रीटमेंट मिली इनको। और हाँ, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का और यहाँ के जो हेल्थ के ये जो लोग थे इन्होंने मिलजुल के काम किया और ये सब 2 टेस्ट हमने इनके किए और दोनों नेगेटिव आके आज हमने इनको 19 को यहाँ आया हूँ खांडे हॉस्पिटल में और यहाँ जो 23 को आया यहाँ 23 को जहाँ 19 को टेस्ट हुआ फैसिलिटी है वो हमने रेलवे स्टेशन में नहीं देखी। और जहाँ और जो यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है बहुत अच्छा, जिस चीज की हमें जरूरत पड़ी तो उन्होंने एकदम हमारे को मुहैया करवाया और जितनी भी तारीफ की जाए खांडे हॉस्पिटल। आयुष महकमा किश्तवाड़ ने कुव्वते मदाफत बढ़ाने वाली अद्वियात मुलाजमीन और फ्रंटलाइन वर्करों के दरमियान तकसीम की, जिसमें जिला अस्पताल किश्तवाड़, ACD ऑफिस, मिनी सेक्रेट किश्तवाड़, ISM डिस्पेंसरीज और बथावाद शामिल हैं। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट किश्तवाड़ ने महकमा आयुष का मुफ्त अद्वियात तकसीम करने पर शुक्रिया अदा किया। ये सब नोडल ऑफिसर डॉक्टर तारिक हुसैन की निगरानी में अंजाम दिया गया। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने मुसाफिर गाड़ियों में बैठने की गुंजाइश तय करते हुए मुसाफिरों को तहत जाब्ता सफर करने के अहकाम जारी किए हैं ताकि COVID-19 लॉकडाउन की पासदारी भी हो सके। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह तारा ने मजीद बताया कि गाड़ी जिनमें टेम्पू, टाटा सोमो, विग्नार, इको और तवेरा शामिल हैं, बजाय पूरे मुसाफिरों के आधे मुसाफिर सफर करें ताकि कोरोना वायरस के खतरात से बचा जा सके। जिला कम्युनिटी किचन कायम करने के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोर्ड सागर की सरबराही में हुसूलियाबों के मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फिल्माई गई है, जिसमें कम्युनिटी किचन को शुरू करने से लेकर अभी तक की कारकर्दगी पर एक खाका पेश करते हुए इत्मीनान बख्श और कामयाबी से ताबीर किया है, जिसको देखना और सुनना न भूलिएगा। मजीद इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। The establishment of quarantine centers in the corona crisis, in which people had to be kept and fed for 14 days, led to the establishment of kitchen in the district sports stadium complex Toda. The kitchen was to function 24/7 to meet the demand of meals for the inmates in quarantine
and also to various labors involved in to combat COVID-19. Initially, the lockdown was strict and all shops were closed. It was a challenge for the quarantine kitchen team to arrange all the rations, rice, flour, pulses, vegetables to be cooked. ये आपको मालूम है कि DDC डोडा की डायरेक्शंस पे ये किचन 26th ऑफ मार्च को स्टार्ट की गई थी. जिस दिन हमने डिनर प्रिपेयर किया था लगभग 110 लोगों के लिए, और तब से लेके आज तक हम लोग टायरलेसली पूरी की पूरी टीम काम कर रही है दिन और रात. इसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जब हमारा इन्फ्लक्स आया था बाहर से अपने लेबर क्लास का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि हम अपने मजदूर भाइयों को घर वापस लाएंगे. तो उस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा, परेशानी भी आई, बट लेकिन हमने उसको परेशानी को ओवरकम करते हुए अपना काम किया. और एक डेट को तो 8 मई को हमने 3000 तक का दिन का खाना दिया है. तो इसमें हम शुक्रगुजार करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें भरपूर साथ दिया, कोऑपरेट. 26 तारीख आई शुरू करो प्रोग्राम, प्रॉब्लम बड़ी होती, मार्केट बंद होती, लोग मटेरियल देने खातर राजी नहीं होते, बड़ी मुश्किल से मार्केट खुलवाई, फिर लोगों ने तो आए मटेरियल गिनो जैसे वैसे साई कॉटन बेस्ट स्टार्ट करी. एज द किचन गॉड फंक्शनल, थ्री थिंग्स वर गिवन प्रायोरिटी बाय DDC डोडा डॉक्टर सागर. फर्स्ट, टू कीप द होल सप्लाई 24/7 रेडी. सेकेंड, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू ऑल द इनमेट्स. एंड थर्ड, to maintain strict hygiene conditions in the kitchen to keep the whole food wholesome. All the measures were adopted which maintained the aseptic conditions in the kitchen, like use of one-time disposable bowl plates, using of masks, sanitizers, PP kits, gloves, which were provided by the DDC Doda. Special attention was given to the kids feeding on milk, pregnant ladies and old age persons if they were in quarantine. Starting में district community kitchen के साथ associated था. उस time पे हमें ये ensure करना था कि जो भी सामान, जो भी खाना हमारे quarantine centers में जा रहा है, वहाँ से कुछ भी वापस ना आए. तो उसके लिए disposables, disposable containers का use किया गया. But the biggest challenge was the disposables which were available in the market were insufficient. तो हमें at least 500 to 1000 containers एक दिन के चाहिए होते थे. So उसके लिए फिर जम्मू से lockdown के time पे ये ensure किया गया कि जम्मू से containers लाए जाएं. As the working got streamlined day by day, the team came up with the ideas of providing special sweet dishes, salads, fruits, juice, pickles. With the full support of DDC Doda, the menu was with full of varieties. हमने फर्स्ट डे से जिस साहब यहाँ आए थे उन्हें हमको बताया था, लेकिन हमने मेनू बनाया कि सुबह ब्रेकफास्ट हम क्या दे रहे हैं, लंच में क्या दे रहे हैं, डिनर में क्या दे रहे हैं. लेकिन ये सब करके हमने कम से कम हम 200 से शुरू हो गए थे. उसके बाद हमारे पास आंकड़ा बढ़ता गया, 500 भी हो गया. उसके बाद आंकड़ा बढ़ता गया हमारे 800. उसके बाद हम 1100, 1200, 1300 तक हमारा 1500 तक हमारा आंकड़ा अभी तक जा रहा है. Now the distribution responsibility was on the shoulders of Anshul Riaz and team, and they ensured food gets properly and timely distributed. For every distribution, each time people carrying food is sanitized. देखिए, जिस वक्त हमें असर से कॉल आता कि इतने बंदे आ रहे हैं, फलानी क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं या कहीं भी, चाहे रात का 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, हमें कंटिन्यू बंदे आते रहते हैं. हमारी टीम हर वक्त तैयार रहती है यहाँ डिस्ट्रिक्ट किचन डोडा से. मैं ड्राइवर हूँ. हम खाना लेके जाते हैं क्वारंटाइन सेंटरों में, जैसे आरनोड़ा, JNV में, खलैनी में, और सिटी में जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर है, और असर में. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिला है इस टाइम पे ये काम करने. चैलेंज जो यहाँ पे हमारे पास थी वो ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए.
क्वारंटाइन सेंटर्स तक खाना कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन जब पहले पहले इसकी शुरुआत हुई तो सबको बड़ा मुश्किलात इसमें आई और बड़ा डर सा भी उनके दिल में था कि शायद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके हमारे DDC डोडा सागर सर, जिनका छत्र छाया हमारे सर पर हर वक्त रही, हर तीसरे दिन उन्होंने हमारे किचन को विजिट किया, बार बार हमारे से बात होती रही। और उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टोर था यहाँ पे, वहाँ से भी हमें जब इनके लिए किट्स मिली तो हमारे मुलाजमों में भी एक सिक्योरिटी सी पैदा हुई और उसके बाद एक स्मूथ फंक्शनिंग हमारी यहाँ पर चली। नाउ कैन द होली मंथ ऑफ रमजान एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज अपबीट टू प्रोवाइड इफ्तार एंड सहरी टू ऑल दोज हु हैड केप्ट फास्ट ऑन टाइम एंड आल्सो टू प्रोवाइड एज मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ फूड टू ऑल द इनमेट्स। रमज़ान का महीना रहा जो काफ़ी चैलेंजिंग हमारे लिए रहा, जिसमें हमने फार फ्लंग एरियाज में सहरी और इफ्तारी का हमने पहुंचाया, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम काफ़ी कोशिश की गई कि काफ़ी सारी वैरायटियां इसमें ऐड की जाए, जो हमने बखूबी निभा। दोज हु वर केप्ट इन क्वारंटाइन नेवर कंप्लेंड एंड वर क्वाइट हैप्पी विद फूड एंड अदर अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा। मैं जयपुर से आया था वाया दिल्ली रूट, और मैं 29th को यहाँ पे पहुँचा था, और ये रहमत प्लाजा का क्वारंटाइन सेंटर में मैं रुका ऑलमोस्ट 6 days। एंड मैं कहना चाहूँगा सभी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी थी, डॉक्टर्स ने कॉपरेट किया, एंड इवन द फूड वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज हियर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट डोडा डॉक्टर्स एंड ऑल सपोर्ट, थैंक यू। अभी जो रमज़ान का महीना गुजरा है, ईद हुई, तो रमज़ान के महीने में काफ़ी चीज़ें नई जो मैस कमेटी ने उसमें इंडक्ट की थी, नई चीज़ें उनको मिल रही थी। इफ्तारी सहरी का पार्टिकुलरली बहुत बड़ा इशू था, लेकिन उन्होंने पूरा इंश्योर किया मैस कमेटी ने कि सहरी इनको टाइम पे पहुंचे, इफ्तारी टाइम पे पहुंचे। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, कभी इन्फ्लक्स ज़्यादा भी होता था। अराउंड 50 एम्प्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं अराउंड द क्लॉक। जिला अस्पताल किश्तवाड़ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर तारिक परवेज को दौरान ड्यूटी किसी नामालूम अफराद ने उनके साथ हाथापाई की। बताया जाता है कि उस शख्स को COVID-19 गाइडलाइन पर अमल पैरा होने के लिए कहा गया था, मगर उसने ऐसा न करते हुए उनके साथ बदसलूकी की। अवामी हलकों ने इस वाका की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अगर यहाँ देखते हैं तो हम एक एक मुठ होकर काम कर रहे हैं। मुझे एक वक्त ये नहीं पता, मैं डॉक्टर हूँ और वाणी साहब को ये नहीं पता कि आदमी खेल रहे हैं कि एडिशन देखिए, तीन तीन बार आदमी हो रहे हैं। एक पागल आदमी, एक बीमार दिमाग के आदमी ने अगर कोई गलती की है तो वो उसकी सजा भुगतेगा। खवातीन विंग जिला सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस रामबन नरिंदर कौर ने जरूरतमंदों में 200 अदद मास्क और 50 कुंभों के दरमियान बटोद में राशन के किट्स तकसीम किए। बताया जाता है कि ये मास्क उन्होंने कोविड लॉकडाउन से मुतासर अफराद के पेश नजर हाजतमंदों में बांट दिए हैं। इस सिलसिले में राशन हासिल कुनंदा अफराद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस सदर रामबन नरिंदर कौर का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए उनके काम की सराहना की।
तेज हवाओं और बारिशों में रायशी मकान मुकम्मल तौर तबाह हुआ था, मगर एक साल का वक्फा हुआ। अभी तक मुकामी इंतजामिया ने इस ताल्लुक से कोई भी अहकाम सादिर नहीं किए। बताया जाता है कि ये मकान मलवाना के एक नातवां शख्स मुकेश परिहार का है, जो कि अभी तक सरकार की इमदाद का मुंतजर हैं, ताकि वो अपने खस्ता मकान की आज सरे नौ तजदीद और मरम्मत कर सकें। हमारा मकान पिछले साल जून 11, 2019 को गिर गया था, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी भी कोई भी मदद नहीं मिले किसी भी किस्म की। हम ये डिमांड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमें मदद दे। जब मकान गिरा था तब तहसीलदार साहब भी आए थे, पटवारी साहब भी आए थे, उन्होंने रिपोर्ट तो बनाई डीसी ऑफिस के लिए, लेकिन डीसी ऑफिस वाले ने आरएनबी को लिखा है, अभी तक नहीं आई, आरएनबी वालों ने नहीं दिए रिपोर्ट। हमारी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाए। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान नसीर अहमद खोड़ा को इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगेवान।